हेलो फ्रेंड्स, मुझे ये पूछना था आप लोगों से। वैसे 2 दिन से मैंने आपको बताया कि मैं टिकटॉक यूज़ नहीं कर रही थी। अभी मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा टिकटॉक की वीडियो बनाऊं। जैसे बनाने लगी तो ये देखें, ये आ गया था, नो नेटवर्क। तो दिखा ये इस तरह से आ रहा था, नो नेटवर्क। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई कि पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, मेरा नेट नहीं चल रहा, डेटा चलाया, वाईफाई चलाया, फिर भी नहीं चल रहा था। तो आप मुझे जाके पता चला कि टिकटॉक बंद हो गया, बैंड हो गया टिकटॉक। फिर ये देखिए वीपीएन पे चलाया तो चलने लगा, इस तरह से आ रहा था देखें। फिर वीपीएन पे चलाया तो चलने लगा। तो ये क्या मसला है, बार बार टिकटॉक को क्यों बंद कर रहे हैं? अगर बंद ही करना है तो एक साथ बंद कर दें, क्योंकि टिकटॉक के अलावा भी दूसरी ऐप है, जैसे कि लाइकी ऐप और भी बहुत सारे हैं, उनको भी बंद करें। कभी टिकटॉक खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। ये देखिए अब मैं आपको वीपीएन पे चला के दिखा रही हूँ, चल रहा है और ऐसे नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बंद करना है तो एकदम से बंद कर दे। ये क्या बात हुई कि वीपीएन पे चल रहा है और वैसे नहीं चल रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं हो रही। ये देखिए वीपीएन पे बिल्कुल फास्ट चल रहा है, ये देखिए बिल्कुल ही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बंद करना है तो सारी, वैसे तो हज़ारों वेबसाइट सारी बंद करें ना, इनमें उनमें क्या फ़र्क है, टीवी की चल रही है, मोबाइल की बंद कर दी, ये वो, तो बात तो वही होगी ना। इंडिया की फिल्में जैसे लोग देखते हैं, इंडिया के ड्रामे फिल्में देखते हैं तो वाह वाह करते हैं, और जब पाकिस्तानी लोग बनाते हैं उन जैसी ड्रेसिंग करते हैं तो लोग कहते हैं कि फांसी फैल रही, फांसी फैल रही है। अब आप लोग को देखना भी वही है और फांसी भी कहना है। अभी आजकल इस पर है ना, वो कहा लड़की, कोई एक लड़की, हाँ वो बंगाली लड़की है, वो नाच गाना कर रही है, जरा ठुमके लगा रही है, वेस्टर्न ड्रेस पहन रही है, तो उसको, उसे सब लोग है ना। हाँ तो देखिए ये रही वो लड़की, ये देखिए इसको नजदीक से देखे, ये लड़की उसी तरह की वीडियोस बना रही है। लेकिन इनको सारे वही लोग कमेंट्स कर रहे हैं जो हमारी आईडियो में आके करते हैं, इनको सारे कमेंट्स इतने अच्छे आते हैं, इनमें से एक कमेंट्स भी कुछ, एक कमेंट्स भी बुरा नहीं होता इनको। वाह मैम नाइस ड्रेसिंग, और यही हम कर लेना तो हमें तो इतने बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं, फांसी फैला रही हो, ये वो, मैं बता भी नहीं सकती। और ये सारे वही लोग जो हमारी आईडियो पे बैठ कमेंट करते हैं, तो आप लोग को बाहर की चीज़ अच्छी लगती है और वही हम करें तो बुरे क्यों लगते हैं, मसला क्या है इसमें, इनमें और हमें फ़र्क क्या है, मसला क्या, मुझे ये बात बताएं आप लोग। हमारी जितनी पाकिस्तानी लड़कियां वो हॉट ड्रेस पहनती है तो उनके पीछे आप लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये, या तो खुद देखना बंद कर दो या तो तनकीद करना बंद कर दो। दूसरे मुल्क वाले लोग कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है आपको, और जो हम कर रहे हैं वो बुरा लग रहा है, तो आप लोग देखना बंद कर देना, आप लोग मत देखें, उनको ना देखें। अगर इतने बुरे लगे उनको अच्छे कमेंट्स करें, हमें बुरे कर रहे हैं, उनको देखना छोड़ दें, हमें देखना छोड़ दें, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। हाँ तो मैं, मुझे आप लोगों से ये पूछना था, टिकटॉक क्यों बंद हुई है, किसी वजह से बंद हुई है, या तो बैन कर दी गई है, तो जिसको पता है प्लीज़ मुझे बताइएगा। और दूसरी बात ये कि वाकई कहते हैं ना कि बच्चे अपने और बीवी दूसरों की अच्छी लगती है ना, ये बात सच। तो इसी तरह आप लोग को बाहर की चीज़ अच्छी लगती है, अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती। बाहर के लोग वो कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े आप लोग को अच्छे लगते हैं, और अगर आपके घर में से वो कोई पहने तो वो आपको फाहशी लगती है, वो आपको बदतमीज़ी लगती है, वो आपको हॉटनेस लगती है। तो फिर आप बाहर के लोगों को देखते हैं ना, तो अपने घर में देख, उन घर में भी देख के उनको बर्दाश्त करना सीखिए। तो सो प्लीज लोगों को तनकीद करना बंद करें, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी मर्जी है, और ये सब वही लोग हैं जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें बुरा कह रहे हैं, देखना भी है बुरा भी कहना है। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। तो आप लोग भी ज़रा सोचिए समझिए। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म हुआ, अल्लाह।